इस जंगल में यार एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही है, डर भी लग रहा है और एक्साइटेड भी हूँ। इधर उधर देख रहा हूँ कहीं से कुछ उतर ना आए। भाई एडवेंचर है भाई, ये एडवेंचर है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अकेले हूँ मैं। पहला कुछ ऊपर से इधर उधर से कुछ गिरता है ना, तो मुझे लगता है कोई दौड़ के तो नहीं आ रहा है। भाई एक्साइटमेंट टॉप लेवल पे पहुँचा हुआ है अभी, डर भी लग रहा है साथ साथ में। अकेले घूम रहा है इस घने जंगल में, भाई कोई नहीं है आसपास में, कोई भी नहीं। देखो दिख रहा है भाई, कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ यहाँ पे। ऑसम। हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे मस्ती में होंगे। तो मैं फिर से आ गया हूँ दाइस्ती एक्सप्रेस। मैं लास्ट टाइम पे आया था, उस टाइम पे कुछ मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम चल रहा था और मैंने पता भी किया था। तो अगर आप दाइस्ती एक्सप्रेस आते हो तो मंगलवार को मत आना, ट्यूसडे को मत आना, यहाँ पर वो क्लोज होता है। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि आप ट्यूसडे को छोड़ के आप किसी भी दिन दाइस्ती एक्सप्रेस आओगे तो आप यहाँ पे केबल कार का मज़ा ले सकते हो। तो मैं फिर से आ गया, लास्ट टाइम मैं ट्यूसडे को आया था, उसके बाद मैं अभी फिर से आया हूँ। तो अभी आज दाइस्ती एक्सप्रेस का जो केबल कार है उसका मज़ा लेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए मैंने बस का, लोकल बस का यूज करा, जिसके लिए मुझे चार्ज करा 40 लेख, जो कि नॉर्मल जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बहुत सस्ता है यहाँ पे। मैं कैसे आया आप पिछली वीडियो देख सकते हो, ये आई बटन पे आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि आप बस से दाइस्ती एक्सप्रेस कैसे आ सकते हो। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ दाइस्ती एक्सप्रेस। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यह है दाइस्ती एक्सप्रेस। अब देखते हैं वहाँ का टिकट का क्या सीन है, ऊपर से क्या नज़ारा आएगा भाई, ज़बरदस्त वाला नज़ारा आएगा ऊपर से, जो तिराना सिटी है। तो बस मैं पहुँच ही गया हूँ। तो इसके दो रूट हैं, अब तो केबल कार से जा सकते हो सीधा, नहीं तो आप इधर से वॉक करके जा सकते हो। तो देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, या तो मैं दोनों साइड का आने के लिए केबल कार लूँगा, या तो जाने का, या आऊँगा आराम से पैदल। हाय। तो ये कार्ड भाई साहब उस दिन मुझे बता रहे थे कि मंगलवार को बंद है। तो लो भाई पहुँच गया मैं, और ये पार्किंग है, साइड साइड में कारों की पार्किंग लगी हुई है। और ये है भाई दाइस्ती एक्सप्रेस। तो भाई मैंने टिकट ले ली यहाँ से, जिसका मुझे पड़ा 1000 लेख, जो जाने का और आने का है। तो 1000 लेख में आप यहाँ से केबल कार से ऊपर जा भी सकते हो और नीचे आ भी सकते हो। तो ये है कुछ टिकट। अब इधर से रास्ता है भाई, ये देख रहे हो इधर से रास्ता जिससे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, यह ना एंटर। थैंक यू। जंप इन दैट वन। ओके, तो भाई इसमें बैठ रहे हैं। तो भाई बैठ गए हैं केबल कार।
काफ़ी मज़ा आ रहा भाई, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लग रहा है भाई। नीचे देखने पे ना क्या बताऊँ मैं, ऑसम भाई, खतरनाक वाला एक्सपीरियंस है भाई, किलर किलर भाई किलर, क्या नज़ारा है भाई, एकदम ऊपर टॉप में जा रहे हैं हम लोग भाई साहब। यहाँ से देखने में क्या खतरनाक लग रहा भाई, जबरदस्त जबरदस्त एक्सपीरियंस भाई, जबरदस्त एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस था भाई, खतरनाक वाला एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। लगभग 20-25 मिनट का राइड था, और क्या पहाड़ों के बीच में ऊपर नीचे ऐसे करते करते करते, खतरनाक भाई खतरनाक, ये करना बनता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या मिलता है देखने के लिए। इधर निकलते ही कुछ रेस्टोरेंट बार हैं, खाने पीने के सामान हैं, और निकलते ही यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है, जैसे ही ये है ना, बालकोनी एडवेंचर पार्क, मिनी गोल्फ पार्किंग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। चिकन कोप्स, तो यहाँ पे सारे ये दिए हुए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे। सही है भाई, सही लग रहा है, सही एक्सपीरियंस था भाई। अब हम लोग टॉप पे आ गए हैं, अब यहाँ देखते हैं कि क्या मिलता है दिखाने को। हाय, यहाँ घोड़े पे भी है, यहाँ घोड़े की सवारी भी आप कर सकते हो। ये साइड में घोड़े भी हैं, और यहाँ पे आप शूटिंग भी कर सकते हो, जो पीछे देख रहे हो ना, शूटिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो। दो एक दो पॉपकॉर्न भी आप खा सकते हो यहाँ पे। आहिस्ती, सही लग रहा है। घुसते ही भाई शूटिंग कर सकते हैं भाई, अपना अपना टैलेंट आजमा सकते हो। अगर आपको शूटिंग में गोल्ड मेडल चाहिए तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो हम लोग टॉप पे आ गए हैं, अभी इस जगह को साइड साइड से एक्सप्लोर करते हैं, मज़ा आने वाला है भाई। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, मज़ा आने वाला है, और क्या नज़ारा है भाई, जबरदस्त वाला नज़ारा आप देखो साइड साइड, है ना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। धूप तो है पर उतनी उमस नहीं है, अच्छा वेदर है भाई, अच्छा वेदर है। तो
वाह, ये छोटी छोटी गाड़ियों के भी आप राइड का मजा ले सकते हो भाई। पैनोरमा ग्रेट ऑसम। ये छोटी छोटी गाड़ी है, ये देख रहे हो, इसका भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो यहाँ पे। खतरनाक। कुछ मिनी वैन भी लगे हुए हैं, उसके बाद होटल भी दिख रहा है मुझे, बहुत सारे होटल भी हैं। दो मिनी वैन है इधर, पता नहीं कहाँ लेके जाते होंगे या क्या करते होंगे, आई डोंट नो। ये दो मिनी वैन है, और इधर जो देख रहे हो इधर होटल है, होटल। यहाँ पे भी आप का रहने का बंदोबस्त है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम नॉट सरप्राइज गाइज, मुझे यहाँ पे क्या मिला, गेस वॉट, बंकर। भाई साहब, अल्बेनिया के ऐसे कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे बंकर नहीं है भाई। बंकर एक इधर है, एक बंकर उधर है। भाई साहब, जो लड़ाई की है ना, वॉर की पूरी तैयारी करके रखा हुआ है, कभी कुछ हो गया इन सबको कुछ नहीं होने वाला भाई, बंकर बना के रखे हुए हैं। देखो अंदर में क्या है भाई, अंदर में गुफा जैसा लग रहा है, देखा जरा। और अभी भाई आसपास में कोई नहीं है, अकेला हूँ। एडवेंचर फीलिंग आ रही है, डर भी लग रहा है भाई। भाई यहाँ से क्या तिराना सिटी का नज़ारा आ रहा है भाई, जबरदस्त जबरदस्त दिख रहा है भाई। ये मैं देखा आप, दिख रहा है आपको कितना शानदार लग रहा है ये जो तिराना सिटी है, यहाँ से जबरदस्त व्यू आ रहा है। और आसपास में घर है, गार्डन बना हुआ है, रेस्टोरेंट है, बैठ रहे हैं, पर जो व्यू है ना, किलर भाई, किलर जो व्यू है ना। ये देखो भाई छोटा सा गोल्फ कोर्स, और गोल्फ कोर्स में ये भी देखो बंकर, भाई सारे खेल रहे हैं, थोड़ा हमारा मजे ले रहे हैं। पर ये बंकर भाई हर जगह मिल रहा है। तो गाइस ये दास्ती जो नेशनल पार्क है, इसमें ये छोटा सा गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है, और इधर आप देख रहे हो इधर हनी निकाल रहे हैं, मधुमक्खी हनी निकाल रहे हैं, और क्या नज़ारा है भाई, ये बहुत ही प्यारे प्यारे ढेर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। सही है भाई, असम जो व्यू है ना वो ज़बरदस्त है। इधर आप देखो जो पहाड़ है ना, और ये सबसे टॉप में भी, टॉप तो थोड़ा सा ऊपर भी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सही लग रहा है भाई। तो यहाँ पे ये स्केटिंग का भी है, आप यहाँ पे स्केटिंग भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ स्केटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे करने के लिए बहुत सारा कुछ है, गोल्फ खेल सकते हो, छोटा सा गोल्फ कोर्स है,
स्केटिंग है, हॉर्स राइड कर सकते हो, खाना पीना कर सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने लायक है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये कुत्ता भी है भाई, कुत्ते भी मज़ा ले रहे हैं साथ साथ में। तो गाइस अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, तभी मैं वहीं पे हूँ जो आप केबल कार देख रहे हो। तब आपको होप कि बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इंजॉय करा होगा आप इस ब्लॉग को। तो मैं अभी जाता हूँ अंदर, फिर आपको जाते जाते भी थोड़ा नज़ारे दिखा देता हूँ, आपको काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू, थैंक यू। तो भाई ये बैठ गए हम लोग, तो ये भाई बैग भी रख दिया, बैठ भी गए। अब आप व्यू देखो, मज़ा आने वाला है। आने के टाइम पे आपने व्यू देखा, अब जाने के टाइम पे आप व्यू देखो। तो गाइज मैं अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये करना बनता है भाई। जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है ना, जो ऊपर नीचे जाने पे जो एक्सपीरियंस होता है ना भाई, ख़तरनाक वाला एक्सपीरियंस होता है। हाईली रिकमेंड, अगर आप आते हो तो इसको ज़रूर करें, आपको बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। ख़तरनाक एक्सपीरियंस। टिकट है 8 यूरो, जो कि अगर लेक में कन्वर्ट करो तो 1000 आने और जाने का, और भाई 20 से 25 मिनट लेता है। तो आप ये सोचना भी मत कि उधर से नीचे से अकेले से पैदल आओ, इम्पॉसिबल है भाई। इतनी दूर है, आप सोच रहे हो केबल कार में आधा घंटा लग रहा है, 20-25 मिनट। तो आप आओगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा। तो कोई नहीं भाई, होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक करना कभी ना भूले, सपोर्ट दिखाएं थोड़ा। तो भाई हम जहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। तो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें भाई। और सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।